गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हम लोग भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी धारा के संत कवि कबीरदास को कल तक हम लोग पढ़ रहे थे। उनके शाखी और पदावली को हम लोगों ने पढ़ा। परीक्षा में अब थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है कि अब संदर्भ प्रसंग व्याख्या के अतिरिक्त अब पद्यांश दे दिए जाते हैं और पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, प्रश्न और उनके उत्तर। यदि आप लोगों ने मेरे द्वारा पढ़ाए हुए पाठों को अच्छी तरह से दोहों और क्या नाम पदों को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, उसकी व्याख्या अच्छी तरह से आप लोगों ने समझी होगी, तो प्रश्नों को उत्तर देने में बहुत ही आसानी है, उसमें कोई कठिन प्रश्न नहीं है। चलिए हम लोग सीधा प्रश्नोत्तर पर आते हैं। निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। वैसे तो किताब में बहुत 10-12 पद दिए गए हैं और उन पर प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोग 5 या 6 पदों का जो है अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया विषा उड़ा बहुर नयाओ हट। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये देखिए लाइन रेखांकित है। गुरु ने भक्त को किस प्रकार का दीपक दिया है, सदगुरु द्वारा दिए गए दीपक में किस प्रकार का तेल भरा है, प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है। चलिए उत्तर देखते हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश कबीर ग्रंथावली से हमारी पाठ पुस्तक में साखी पाठ शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। पाठ का नाम अथवा पाठ का नाम साखी, कवि का नाम कबीरदास। रेखांकित अंश की व्याख्या जो दूसरा प्रश्न है। प्रस्तुत पंक्ति में शिष्य पर गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के प्रभाव को दिग्दर्शित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भर दिया और ज्ञान रूपी कभी समाप्त न होने वाली बत्ती भी डाल दी। उसकी ज्योत से जीव की सांसारिक वासनाएं समाप्त हो गई, अर्थात सांसारिक भावनाओं का क्रय विक्रय समाप्त हो गया, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तीसरा प्रश्न है, गुरु ने भक्त को किस प्रकार का दीपक दिया है। तो गुरु ने भक्त को शरीर रूपी दीपक दिया है। सदगुरु द्वारा दिए गए दीपक में किस प्रकार का तेल भरा है, तो सदगुरु द्वारा दिए गए दीपक में प्रेम रूपी तेल भरा है। और प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है, तो प्रस्तुत दोहे में रूप का अतिशयोक्त अलंकार है, रूपक और अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त माने अतिशय, बहुत ज्यादा चढ़ा बढ़ा के कहना, और रूपक अलंकार आप लोगों को पढ़ा, अलंकार पढ़ाते समय हम सारी व्याख्या करके बताएंगे, या इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा। रूपक या उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, वहां पर जो है रूपक अलंकार होता है। आगे का दोहा, यह तन जालो मस करूं लिखूं राम का नाव, लेखन करूं करंकी लिख लिख राम पठाऊं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए, तो वही रहेगा जैसे पहले मैंने बताया पहले पद का। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत दोहे में कौन और किससे अपना संदेश देने के लिए व्याकुल है, जीवात्मा अपनी हड्डियों के संदर्भ में क्या कहना चाहती है, प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है। तो संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश कबीर ग्रंथावली से हमारी पाठ पुस्तक में साखी पाठ शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। पाठ का नाम साखी, कवि का नाम कबीरदास। रेखांकित अंश की व्याख्या, परमात्मा के बिरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी, इसके पश्चात अपनी हड्डियों को लेखनी बनाकर उसकी स्याही से राम का नाम लिखकर प्रीतम राम के बार बार भेजती रहूंगी, जिससे वे मुझ गृहिणी की विरह दशा और पीड़ा को समझ सके। यहाँ पर आत्मा की परमात्मा के प्रति विरह व्यक्त हुई है।
प्रस्तुत दोहे में जीवात्मा विरहिणी अपने प्रियतम रूपी परमात्मा को अपना संदेश भेजने के लिए व्याकुल। जीवात्मा अपनी हड्डियों के संदर्भ में कहती, इसे अपनी लेखनी बनाकर, लेखनी कलम बनाकर राम का नाम लेकर संदेश भेजती रहूंगी। प्रस्तुत दोहे में पुनरुक्त प्रकाश एवं अनुप्रास अलंकार अनुप्रास, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, पुनरुक्त माने लिख लिख, जहां एक ही शब्द बार बार प्रयोग किया जाता है वहां पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। अगला पद, पंखी उड़ानी गगन को, पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंचबिन, भूल गया यहुदेश। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, पद्यांश के कवि पाठ का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सहस्त्रार में पहुंचकर जीव रूपी पक्षी ने क्या किया, प्रस्तुत दोहे में कवि ने किसका वर्णन किया है, प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है। तो संदर्भ वही रहेगा, कबीर ग्रंथावली से पाठ पुस्तक में साखी, पाठ शीर्षक के अंदर संगीत है रचयिता कबीरदास जी, पाठ का नाम साखी, कवि का नाम कबीरदास। रेखांकित अंश की व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं, जीव रूपी पक्षी अपनी योग साधना द्वारा कुंडली के सहारे सहस्त्रार अर्थात आकाश में पहुंच गया और उसका स्थूल शरीर जगत जड़ जगत में रह गया। सहस्त्रार में पहुंचकर उस जीवात्मा रूपी पंछी ने बिना चोंच अर्थात इंद्रियों से रहित अमृत सरोवर का जल पिया। जल पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई और वह इस संसार में पूर्णता भूल गया और अपने शरीर को भी भूल गया कि जिसे उसे त्याग करके आया। तात्पर्य है कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा सांसारिक मोह और माया के बंधनों में नहीं बंधती, वह पूर्णता ब्रह्मानंद में लीन हो जाती है। सहस्त्रार में पहुंचकर जीव रूपी पक्षी ने बिना चोंच के ही अमृत सरोवर का जल पिया। प्रस्तुत दोहे में कवि ने साधना की स्थिति और मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन किया है, प्रस्तुत दोहे में विभावना अलंकार है। हे रत हे रत हे सखी, रहा कबीर हिराय, बूंद समानी शबद में शोकत हेरी जाए। संदर्भ कवि ओम पाठ का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, दोहे का भाव, दोहे में कवि ने किसका वर्णन किया है, दोहे में कौन सा अलंकार है। तो संदर्भ वही कबीर ग्रंथावली से पाठ पुस्तक में साखी, पाठ शीर्षक के अंदर संग्रहित है, इसके रचयिता कबीरदास जी हैं, पाठ का नाम साखी, कवि का नाम कबीरदास। रेखांकित अंश की व्याख्या, कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब जल की एक बूंद समुद्र में समा जाती है तो उसे किसी प्रकार से खोजा नहीं जा सकता है, अर्थात जिस प्रकार समुद्र में मिलकर बूंद अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती तो उसकी पृथक सत्ता समाप्त हो जाती है, वो कहां फिर से अलग से खोजी जा सकती है। प्रस्तुत दोहे का भाव यह कि जीवात्मा परमात्मा से मिलन होता है तो उसमें एक रूपता स्थापित हो जाती है और जीवात्मा अपना अस्तित्व समाप्त कर परमात्मा मय हो जाता है। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने आत्मा और परमात्मा के मिलन और उनकी एकरूपता का वर्णन किया है, प्रस्तुत दोहे में दृष्टांत अलंकार है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आज कुल चार पद्यांशों का जो है प्रश्नोत्तर पढ़ा, बाकी के जो पदावली से हैं वो कल हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। किसी को कोई प्रकार की शंका हो, कोई समाधान करना चाहे, पूछना चाहे, तो आप लोग संपर्क करके शंका समाधान कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।